नमस्कार। सो आज हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में गठिया बाए कहते हैं, गठिया बहुत तरीके के होता है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सबसे ज़्यादा कॉमन वेराइटी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अगर हम कॉजेज कहें तो बहुत ज़्यादा कॉजेज हैं आजकल के टाइम में, खासकर स्पेशली कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा लोगों की इम्यूनिटी के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जिसकी वजह से कोविड के बाद या कोविड वैक्सीन्स के बाद भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमन हो गया है। देन जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को है, देन येस, देर आर 30-40% चांसेस कि आपको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। अगर आपको कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, या आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, देन येस, चांसेस ऑफ गेटिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे केसेस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप पहचानें कैसे? बिकॉज ये एक ऐसी डिजीज़ है, अगर हम इसे जल्दी पकड़ पाएंगे या इसका डायग्नोसिस जल्दी होगा तो बहुत चांसेस होते हैं कि एक अर्ली, एक तो आपका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा रहेगा, और इसको हम जितना जल्दी कंट्रोल कर लेंगे तो देर आर चांसेस कि 2 साल या 3 साल के आने तक आपकी मेडिसिन बंद भी हो सकती हैं। उसे हम ड्रग फ्री रेमिशन कहते हैं। सो पहचानना बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी, और एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो इसके लिए इन सिम्टम्स का खास ध्यान रखिए। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, आपके हैंड्स में अगर बहुत स्टिफनेस होता है, स्पेशली जो हाथों के छोटे जोड़ होते हैं, रिस्ट होता है, आप सुबह उठ के मुट्ठी नहीं बना पाते हैं, या आटा गूंदना हो या सब्जी कट करना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ होल्ड करना हो टाइट तो दिक्कत होती है। सिमिलरली इन जॉइंट्स में अगर आप कभी भी स्वेलिंग नोट करते हैं जो परसिस्ट कर रही है, या पाँव के छोटे जोड़ों में स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है, ये तो जोड़ों वाली बात हो गई। अब गठिया जो है वो सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों को सिर्फ लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर आप चेस्ट फिजिशियन के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आपके लंग्स में सिकुड़न आ चुकी है, आपको खांसी रहती है, सांस फूलता है, या आँखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, पेन होता है, वो भी एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्टम है। किसी किसी को रेयर होता है कि किडनीज में इन्वॉल्वमेंट हो, बट वो दैट इज़ वेरी रेयर। मोस्ट कॉमन यही रहेगा कि आपके जोड़ों में स्टिफनेस आएगी, किसी किसी को आँख में इन्वॉल्वमेंट होगा, समटाइम्स कुछ लोगों को माउथ में और आइज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी रहती है, जिसे हम सिका सिम्टम्स कहते हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम परसिस्ट कर रहा है आपको लास्टिंग मोर देन 1 मंथ, देन येस, डेफिनेटली आपको रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। यस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ लिंक्ड टू सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, जिसमें स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर कोई भी किसी भी तरीके का स्मोकिंग करता है, एक्टिव या पैसिव, यानी आप खुद स्मोक कर रहे हैं या आपके आसपास कुछ लोग स्मोक कर रहे हैं जो धुआं आपके अंदर जा रहा है, या आप टोबैको च्यूई करते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का। देन अगर किसी को फैमिली में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, देन जैसे मैंने पहले बताया था, जेनेटिक टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, देन इट इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। एंड ऑलवेज कंट्रोल योर वेट। जो लोग परसिस्टेंटली, स्पेशली बचपन में अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोइम्यून डिजीजेज होने का, जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमन है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। प्लस अगर किसी को चिकनगुनिया पहले हुआ है, तो चिकनगुनिया के बाद भी चांसेस ऑफ डेवलपिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, अगर आपको डाउट है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सो वंस यू रीच अ रूमेटोलॉजिस्ट, सबसे 80-90% जो सिम्टम्स से या हिस्ट्री टेकिंग से ही पता लग जाता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ओनली 10% जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो डायग्नोसिस में लैब टेस्ट का रोल रहता है, जिसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे बहुत लोग रूमेटॉइड फैक्टर कराते हैं, जैसे आम लोग RF फैक्टर बोलते हैं, बट इट्स एक्चुअली RF टाइटर। देन एंटी CCP लेवल्स होते हैं, ESR है, CRP है, समटाइम्स यस ANA ऑल्सो। सो ये टेस्ट ज़रूर कराए जाते हैं देखने के लिए, कि कैटेगराइज करने के लिए कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ESR CRP से ये पता लगता है कि आपकी बीमारी कितना तेज़ी में है। और अगर गठिया थोड़ा पुराना हो गया है, तो एक्सरे हैंड्स और फीट कराए जाते हैं देखने के लिए कि ऑलरेडी जॉइंट्स में कितना उसका डैमेज आ चुका है। देन वंस डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड, सिवेरिटी कन्फर्म्ड है, फिर ये देखा जाता है कि आपको कोई और अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है, जैसे लंग इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट इन्वॉल्वमेंट है, डायबिटीज़ है, थायराइड है। सो अकॉर्डिंगली आपका कंडीशन देख के, आपका एज स्टेटस देख के, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है।
अगर आपकी फैमिली, एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को बहुत रहता है कि हम कैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बचें. अब हमारे फैमिली में किसी को है तो हमें होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली चांसेस हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं. ऐसा नहीं है कि आपको है तो 100% सभी फैमिली मेम्बर्स को होगा. 20% रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन फैमिली मेम्बर्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का. सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने वेट पे कंट्रोल करना, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है, हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, दैट इंक्लूड्स आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए. लाइफस्टाइल में आपकी एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड हैं, जो बहुत अच्छे से करना चाहिए. स्पेशली कार्डियक वर्कआउट बहुत ज़रूरी है. फीमेल्स के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और अगर आपको कोई भी और कोमॉर्बिडिटी है, मींस डायबिटीज़ है या हार्ट का इश्यूज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनका हमेशा से ध्यान रखें कि वो हमेशा कंट्रोल रहें, ठीक ठाक रहें. कोई भी एक डिज़ीज़ ठीक ठाक रहेगी, ऑटोइम्यून डिज़ीज़, तो चांसेज ऑफ डेवलपिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस थोड़ा कम हो जाता है. Follow us to stay updated on debates, discussions, facts and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.